अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिम्स लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को कराऊंगी द कॉन्सेप्ट स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम मकली का टूर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये आउटर व्यू है और यहाँ पे जो है पार्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड पे पार्किंग स्पेस है। अच्छा जी, अब हम लोग अंदर एंटर हो रहे हैं और अंदर जाते ही आप लोग देखेंगे कि दो बिल्डिंग्स है। एक ये प्री जूनियर सेक्शन और जूनियर सेक्शन की बिल्डिंग है और एक ये मेन बिल्डिंग है जिसमें सीनियर सेक्शन और कॉलेज सेक्शन है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम बाहर का जो व्यू है, आउटसाइड व्यू, तो वो चेक कर लेते हैं। तो गाइस, बिल्डिंग के चारों तरफ इस तरह पाथ दिया गया है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले लेफ्ट वाली साइड पे लेके चलती हूँ। अच्छा, तो हम जैसे एंटर होते हैं, आप लोग देख सकते हैं ग्रीनरी के से बना हुआ पूरा आर्च है और यहाँ पे पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं जिसमें वाटरफॉल होता है। अभी फ़िलहाल बंद था किसी वजह से। उसके अलावा जी, यहाँ पे इस स्कूल में आप बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखेंगे। ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके हिसाब से भी ये ज़रूरी होनी चाहिए। तो यहाँ से हम जैसे जा रहे हैं तो ये बिल्डिंग का जो है लेफ्ट साइड है। तो जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाइक्स कुछ लोगों की खड़ी हुई है यहाँ पे, तो टीचर्स अपनी बाइक्स जो है वो यहाँ पे भी पार्क करते हैं। तो ये भी एक अच्छा स्पेस है पार्किंग के हवाले से। तो जी, अब हम लोग आ गए हैं बिल्डिंग के बैक साइड पे। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताते चलूँ, कॉन्सेप्ट स्कूल के बैक साइड पे एक न्यू कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लें वो बन रही है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये एक रास्ता है बाहर जाने का। उसके अलावा दूसरी कॉन्सेप्ट भी आप लोग देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जारी है, तो यहाँ पे माशाल्लाह से कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो गाइज, अब मैं आप लोगों को एक मज़े की चीज़ दिखाने वाली हूँ। द कॉन्सेप्ट स्कूल मकली में यहाँ पे दो दो स्विमिंग पूल्स भी हैं। वाओ, मतलब के वाओ, हम जिस स्कूल में से पढ़े वहाँ पे तो कोई इस तरह की चीज़ें थी ही नहीं। और यहाँ जहाँ तक मुझे पता है कि ठट्टा के किसी भी स्कूल में स्विमिंग पूल्स तो नहीं है। तो यहाँ पे दो दो स्विमिंग पूल्स हैं, छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए। और यहाँ पे अच्छी बात है कि इनकेस कोई वाटर एक्टिविटी हो या स्विमिंग क्लासेस तो बच्चे यहाँ पे सीख सकते हैं। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, आप लोग देख रहे हैं साथ साथ वो भी। और अब हम वापस से उसी रास्ते से जा रहे हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो। और अब ये बिल्डिंग जो है आप लोग देख रहे हैं, इसमें हम बाद में चलेंगे, सबसे पहले हम बिल्डिंग के राइट साइड पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी इस तरह ग्रीनरी का आर्च बना हुआ है पूरा, और ये प्री जूनियर सेक्शन जूनियर सेक्शन है, तो ये मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि अभी था ब्रेक का टाइम, और ब्रेक के टाइम पे आप लोगों को तो पता है सब स्टूडेंट्स जो है ब्रेक करने आए थे यहाँ पे। तो जी, यहाँ पे आ गई इनकी कैंटीन और सारे स्टूडेंट्स अपने लिए चीज़ें ले रहे हैं क्योंकि ब्रेक का टाइम था। उसके अलावा यहाँ बैक साइड पे आप लोग बड़ा ग्राउंड देखेंगे और पूरा पार्क बना हुआ है, और थोड़ा स्टेप्स नीचे है, नीचे लेवल है इनकी। बट यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट करेंगे, ग्रीनरी बहुत है और बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे बेंचेस लगी हुई हैं और यह स्विंग्स हैं, और यहाँ बैक साइड पे दो डोर्स हैं, एक इस तरफ है और एक उस तरफ है। तो ये न्यू बिल्डिंग बन रही है, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम लोग चल रहे हैं एडमिन ब्लॉक, ये पूरा इनका एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। यहाँ पे डायरेक्टर साहब की ये वाली ऑफिस है, यहाँ पे जो है वो रिसेप्शनिस्ट बैठे हुए हैं सर अब्दुल्ला। उसके अलावा जी, यहाँ पे अकाउंटेंट बैठे हुए हैं। तो जी, एक रास्ता यहाँ से जाता है एडमिन ब्लॉक जाने का, और ये दरवाज़ा प्री जूनियर सेक्शन से खुलता है। तो जी, अब हम लोग चलते हैं मेन बिल्डिंग में, और मेन बिल्डिंग में आप लोग देख सकते हैं एंटर होते ही यहाँ पे एंट्रेंस पे प्लांट्स रखे हुए हैं पॉट में, और बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं। और अब हम लोग एंटर हो रहे हैं, तो यहाँ ग्लास वाली जो है वो लेब है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा जी, ये आ गई यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल ऑफिस के ठीक राइट साइड पे कॉरिडोर आता है, वहाँ पे ऑपोजिट क्लासरूम्स बने हुए हैं। और जी, यहाँ पे ग्लास वाली सेक्शन 8 की जो है ऑफिस थी।
अच्छा जी, अब हम लोग लेफ़्ट वाला कॉरिडोर उस पर चलते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे भी इस तरह ऑपोजिट क्लासरूम्स हैं। बस यहाँ एंड में आप लोग देखेंगे वाटर कूलर है, लेवेट्रीज हैं और स्टेयर केस है। तो यहाँ से भी ऊपर जाने का रास्ता है और यहाँ पे ये बॉयज़ लेवेट्रीज। तो काफ़ी टीचर्स वगैरह यहाँ से जाती हैं, अदरवाइज़ जो मेन हमारी स्टेयर केस है तो सब वहाँ से जाते हैं। मेन स्टेयर केस आप लोग यहाँ से देखेंगे, जैसे एंटर होते हैं सामने ही यहाँ से आ जाती हैं। और ये दो डोर्स आगे जो मैंने आप लोगों को बाहर से दिखाए थे, इनकी जो है वो एग्ज़िट है। अब हम लोग ऊपर चल रहे हैं और ये ऑब्वियसली ब्रेक का टाइम था तो सारे स्टूडेंट्स इधर से उधर हो रहे हैं, बट वैसे स्टूडेंट्स अपनी क्लासरूम में होते हैं। तो ये आ गया फर्स्ट फ्लोर और ये सीनियर सेक्शन है। यहाँ पे आ गई प्रिंसिपल ऑफिस, ये बड़ी अच्छी बनी हुई है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिटो वैसा बना हुआ है, बट यहाँ पे क्लास सेक्शंस वगैरह अलग अलग हैं। ये जो हेड यहाँ पे बैठती हैं, उसके अलावा यहाँ पे भी वैसे ही आप लोग देखेंगे ऑपोजिट क्लासरूम्स हैं और एंड में स्टेयर केस है, लेबोरेटरीज और वाटर कूलर वगैरह है। तो मतलब इजी टू रीचेबल होता है हर बच्चों के लिए, हर क्लासरूम के बच्चों के हवाले से। अब हम लोग ऑपोजिट कॉरिडोर में चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को लाइब्रेरी दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे। तो ये थी इनकी लाइब्रेरी। यहाँ पे ये वही क्लासेस आ गई और ये थोड़ा सा स्पेस है सिटिंग एरिया। अच्छा, तो यहाँ की ना एक बात आप लोगों ने ज़रूर नोटिस की होगी कि इनके चाहे कितने भी कॉरिडोर्स हो या कितनी भी क्लासेस हो, नेचुरल लाइट इनफ आती है। मतलब अगर इनके लाइट चली भी जाए तो कोई मसला पेश नहीं आएगा, बट इनके पास जो है वो स्टैंड बाय जनरेटर मौजूद है, तो जैसे लाइट जाती है तो जनरेटर ऑन हो जाता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर पे, और स्टेयर केस पे भी बड़ी बड़ी विंडोज लगी हुई हैं ताकि उसे जितनी नेचुरल लाइट आ सके तो वो आती है। यहाँ पे आ गया कॉलेज सेक्शन। तो कॉलेज सेक्शन भी सिमिलर वैसा ही बना हुआ है। उसके अलावा जी यहाँ पे आगे इनके मल्टीमीडिया क्लास, तो इनका प्रोजेक्टर वगैरह कोई भी ऐसा सेमिनार या सेशन होता है तो यहाँ पे वो कंडक्ट करते हैं। तो लाइटिंग इनफ होने की वजह से मेरी वीडियो में बार बार आप लोग देख रहे होंगे जैसे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो वीडियो बिल्कुल डल होते जा रही है। अच्छा, अब हम लोग चल रहेंगे ऊपर रूफ पे। उसके अलावा यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टेयरकेस दिखाती चलूँ, इतनी प्यारी लग रही थी सेमी सर्कुलर स्टेयरकेस से, यहाँ से आप पूरा व्यू देखें। और जी अब हम चढ़ गए हैं रूफ पे। तो यहाँ पे इनकी जो है असेंबलीज वगैरह होती हैं, कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो यहाँ पे करते हैं। और अभी फ़िलहाल तो इनका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन चल रहा था, यहाँ पे ये सारी चेयर्स अरेंजमेंट हो रही थी। तो यहाँ से आप लोग व्यू चेक कर सकते हैं, बहुत ही हम ऊपर आ चुके हैं। उसके अलावा यहाँ रूफ पे आप देखिए कितनी बड़ी है माशाल्लाह से। अच्छा, तो यहाँ पे आगे एग्जामिनेशन वाले डे की पिक्चर। तो जी अब हम चलेंगे प्री जूनियर सेक्शन। तो जैसे एंटर होते हैं पॉट्स वगैरह रखे हुए एंट्रेंस पे, और ये सामने रिसेप्शनिस्ट है, ये एग्जिट है। तो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, छुट्टी का टाइम था। उसके अलावा पूरे अच्छे से डेकोरेट की हुई है। और जी यहाँ पे आ गई एक क्लास, ये आ गई दूसरी क्लास, यहाँ पे सिर्फ दो ही क्लासेस हैं नीचे, और ये साथ में है लेवेटरीज और ऊपर स्टेयरकेस जाती है। और जी यहाँ पे सारी आप लोग देखेंगे डेकोरेट की हुई हैं वॉल्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। और यहाँ ऊपर चढ़ते ही लेवेटरीज आ गई, और ये कॉरिडोर एक आ जाता है, और एक ये एल शेप में कॉरिडोर है। उसके अलावा ये आ गई प्रिंसिपल ऑफिस, हेड ऑफिस है। यहाँ पे एक क्लास आ गई, ये व्यू आप लोग चेक करें यहाँ से, ये दूसरी क्लास आ गई। उसके अलावा जी ये थर्ड क्लास, ये बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी क्लास यही थी। ये क्लास, ये ग्लास वाला आप जो देख रहे हैं, इसमें बच्चे रिलैक्स होते हैं और मैट वगैरह बिछा हुआ है। ये आ गई फोर्थ क्लास, और ये आ गई फिफ्थ क्लास। यहाँ पे आप लोग देखें इतनी अच्छे से वॉल्स डेकोरेट की हुई है, मतलब बच्चों को अट्रैक्ट फील करवाने के लिए। अब हम ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। तो ये सारी स्कूल विज़िट कर करके ना मेरा बुरा हाल हो गया, इतनी ज़्यादा मतलब बड़ी स्कूल है ये। तो
टीचर्स को हैट्स ऑफ के वो डेली इस तरह डेली बेसिस पे ऊपर नीचे होती है। और जी ये आगे सेम सिमिलर वैसे ही बनाया ऑब्वियसली। और यहाँ पे इतने अच्छी छोटे छोटे वुडन टॉयज थे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक्टिविटीज़ के लिए टीचर्स ने यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे ना बच्चों के सारे टॉयज रखे हुए थे और कारपेट बिछा हुआ था, यहाँ पे छोटा सा बेड था, साइड टेबल थी और यहाँ पे सारी ना एक्टिविटीज़ यहीं पर होती हैं। बर्थडे का बैनर वगैरह लगा हुआ है, बच्चों की बर्थडेज यहाँ पे मनाई जाती हैं, पियानो रखा हुआ है। तो जी अब यहाँ पे आप लोग सारी क्लासेस देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वो रूफ पे जाएंगे। तो जी अब चलते हैं रूफ पे। और जी आज था इनका कल्चर डे, तो सारी जो अरेंजमेंट हुई थी वो यहाँ पे अब सेटअप जो है वो वाइंड अप हो रहा था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों के लिए स्विंग्स रखे हुए हैं और यहाँ पे कल्चर डे की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, बाकी चीज़ें सारी वाइंड अप हो चुकी थी। और कल्चर डे का भी मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया है, इफ़ आप लोगों ने नहीं देखा तो डू चेक आउट द लिंक, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ऊपर से व्यू आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बाहर इतना सारा क्राउड था क्योंकि छुट्टी का टाइम था, सब बच्चों को लेने आए थे पेरेंट्स वगैरह। आई होप आप लोगों ने ज़रूर इन्जॉय किया होगा और इस वीडियो के थ्रू आप लोगों ने कॉन्सेप्ट स्कूल भी विजिट कर लिया होगी। तो जी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।